नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। बाबा मंदिर। श्री बाबा मंदिर हरदोई जिला के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि शहर के मध्य में स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर प्रहलाद घाट से थोड़ी दूर पर स्थित है, जिसका निर्माण सन 1949 के लगभग करवाया गया था। स्थानीय लोगों की इस मंदिर को लेकर अत्यंत आस्था है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है, जिसे हरदोई बाबा का दरबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चैत्र मास में रामनवमी, दशमी, एकादशी का मेला लगता है तथा रामलीला होती है। घंटाघर विक्टोरिया हॉल। घंटाघर क्लॉक टावर हरदोई जिला की पहचान है। घंटाघर विक्टोरिया हॉल एक सुंदर इमारत है, जिसमें एक बड़ी घड़ी लगी हुई है। इस इमारत की भव्यता देखते ही बनती है। एक जानकारी के अनुसार सन 1960 तक यह घड़ी काम करती थी और इसमें जो घंटियां लगी थी उनकी आवाज 4-5 मील तक सुनी जा सकती थी। सांडी पक्षी अभयारण्य। हरदोई शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह सांडी पक्षी विहार अपने प्राकृतिक सुंदरता और चिड़ियों की चहचहाट के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे डेहर के नाम से जानते हैं। सांडी पक्षी विहार लगभग 3 वर्ग किलोमीटर झील के रूप में फैला हुआ है। यह अभयारण्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में बनवाया गया था। नवाब दिलेर खान का मकबरा। नवाब दिलेर खान का मकबरा हरदोई जिला के शाहबाद तहसील में स्थित है। यह दिलेर खान के मकबरे की जगह है, जो शाहजहां और औरंगजेब के समय एक राज्यपाल था। इस मकबरे की स्थापना सन 1680 ईस्वी में की गई थी। इस मकबरे में दो भव्य प्रवेश द्वार हैं। यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हरदोई शहर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। धोबिया आश्रम। हरदोई जिला का धोबिया आश्रम पिहानी में मौजूद है। यह आश्रम शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि अपनी प्राकृतिक जल स्रोत के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब वीर कर्ण से श्री कृष्ण भिक्षा मांगने आए थे, तब दानवीर कर्ण ने अपना सोने का दांत कृष्ण को दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे अशुद्ध बताया। तब कर्ण ने तीर चलाकर धरती से जल निकालकर दांत को शुद्ध किया और यह स्थल धोबिया स्थल ही था। श्रवण देवी मंदिर और प्रहलाद कुंड। श्रवण देवी मंदिर भी हरदोई जिला का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ एक यज्ञशाला भी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रहलाद कुंड भी है। इस कुंड के जो जल स्रोत हैं वो प्राकृतिक हैं। प्रहलाद कुंड वही जगह है जहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठी थी। यह संपूर्ण स्थान अत्यधिक सुंदर है। संकट हरण मंदिर। यह मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सकाहा नाम के गांव में स्थित है। यह एक बेहद पुराना मंदिर है। सावन माह में पूरे मास यहां पर मेले का माहौल रहता है और यहां शिव भक्तों का बड़ा जमघट लगता है। मान्यता है कि यहां भोले के भक्तों के कष्ट हर जाते हैं, इसलिए इस शिवालय का नाम शिव संकट हरण है। हत्याहरण तीर्थ। हत्याहरण तीर्थ हरदोई शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर संडीला तहसील में आता है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथा अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया था, तो रावण के ब्राह्मण होने के नाते वे हत्या के दोष से मुक्ति होने के लिए इसी स्थल पर स्थित सरोवर में स्नान किया था। तभी से यह पावन स्थल हत्याहरण तीर्थ नाम से जाना जाता है। बेला ताली। बेला ताली हरदोई सिटी के मध्य में स्थित है। यह शहर वासियों के लिए पिकनिक और बोटिंग के लिए अच्छा स्थल है। यहाँ पर हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। हरदोई जिला का बेला ताली रविवार के दिन अत्यधिक व्यस्त हो जाता है। इसके साथ ही हरदोई जिला में कंपनी गार्डन नाम का एक पार्क भी है। कंपनी गार्डन में आप कसरत, बोटिंग आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। राजा नरपति सिंह स्मारक। यह स्मारक हरदोई जिला के माधोगंज कस्बे के रुइयागढ़ी गाँव में स्थित है। यह गांव स्वतंत्रता सेनानी राजा नरपत सिंह का जन्म असली था, जो अपने बहादुरी और कुशल नेतृत्व के चलते अंग्रेजों की बड़ी फौज को हराया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने